गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का अपना दूसरा भाग, जिसका नाम है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग हम पहले कर चुके हैं, उपसर्ग के हमने दो भाग बनाए हैं। उम्मीद है आपने वो बहुत अच्छे से तरह देखे हैं और हमें जो कमेंट मिली है उससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आपने उनको ध्यान से सुना है और देखा भी है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रत्यय, जिनको इंग्लिश में हम सफिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, इससे पहले हमें ये पता करना है कि उपसर्ग का जो हमारा टॉपिक था उसका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग हम उन्हें कहते हैं ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर दे। हमने पढ़ा था कि हिंदी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, उर्दू, अरबी, फारसी के भी जो हमारे उपसर्ग थे वो हमने उनको यूज करना सीखा था। ठीक है, कुछ अव्यय शब्द थे जो प्रत्यय की उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं, वो भी हमने किए थे। आज हम करेंगे जो प्रत्यय, प्रत्यय कहते किसे है। अगर हम प्रत्यय की परिभाषा करें कि जो शब्दांश यानी कि ऐसे शब्द का अंश जो किसी शब्द के पीछे, किसी शब्द के पीछे या धातु के पीछे जुड़कर नए शब्द निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है, यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर या किसी धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करें, हम उसे प्रत्यय कहते हैं। क्लियर इतना, ओके। इनका जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रयोग नहीं होता, जो ये शब्दांश होते हैं इनका मतलब कहीं भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये किसी शब्द के पीछे ही लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण है सुंदरता, पशुत्व, धनवान, मालिन। अगर हम इन शब्दों के मूल रूप को देखें तो यह शब्द सुंदर से बना है, सुंदर जमा ता, क्या बन गया, सुंदरता। पशु जमा त्व, पशुत्व। धन जमा वान, धनवान। माली जमा इन, मालीन। तो जो ये अंत में मैंने शब्दांश का यूज किया है, जैसे ता इधर किया मैंने, त्व इधर किया मैंने, वान और इधर किया है मैंने इन, तो इस प्रकार के जो शब्दांश है हम इनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, वीडियो के अंत तक आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने ना कहीं आपने पढ़े हैं। तो उनको ध्यान से सुने, जो ग्रामर के ये रोल है ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जितनी डिटेल से हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, हमने इनके लिए बहुत मेहनत की है, हमने इधर उधर से डाटा कलेक्ट किया है ताकि बच्चों को हम मतलब अच्छा मैटर वो दे सकें। ठीक है, तो आगे हैं इसके प्रकार यानी कि टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय, प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो, और कौन कौन से है वह है। पहला है हमारा कृत प्रत्यय, क्या है, कृत प्रत्यय, और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे प्रत्यय होते हैं। सबसे पहले करते हैं हम कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर यानी कि धातु के रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, वो संज्ञा या फिर विशेषण शब्दों का निर्माण करे, उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के मेल के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कृदंत, क्या कहते हैं, कृदंत। क्लियर इतना, ओके। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो इसका प्रकार है वो है तद्धित प्रत्यय, यानी के जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इन सब की डेफिनेशन हो गई, आप अच्छे से इनको देख ले और इनको लिख ले। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इनको डिटेल के अंदर के पहले कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और तद्धित प्रत्यय
कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार वो अंत में लगकर वाक्य के नए शब्द बनाते हैं, वाक्य में नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार वह नए अर्थ उनके निकल कर आते हैं। तो आइए हम करते हैं कृत प्रत्यय से जो बनने वाले नए शब्द हैं और तदित प्रत्यय से जो बनने वाले नए शब्द हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं अपना कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्यय, उसके बाद मूल शब्द, और उसके बाद शब्द रूप जिन्हें हम कृदंत कहते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कृदंत। तो सबसे पहला जो हमारा वो शब्द है प्रत्यय आई, क्या है आई। आई से जैसे हम मूल शब्द अगर लेते हैं लड़ या लिख, लड़ मतलब लड़ना, लिख मतलब जैसे लिखना, तो उससे जो शब्द रूप बनेगा आई, जो प्रत्यय लगाया हमने लड़ और आई, क्या बनता है लड़ाई, लिख और आई, क्या बन गया लिखाई, ठीक है। यानी कि लड़ जमा आई, लड़ाई लिख जमा आई लिखाई, क्लियर है। उसी के बाद आगे हमारा जैसे है प्रत्यय आन, ठीक है, आन लग जमा आन, क्या बन जाता है लगान, उड़ जमा आन, क्या बनेगा उड़ान, ठीक है। आगे आप कोशिश करें आप, शब्द है वार्ता या मिल, क्या बनेगा हाँ वार्ता प्लस आप, वार्तालाप और मिल जमा आप मिला। आओ, आओ मतलब कट और फैल हमारे मूल शब्द है, कट जमा आओ कटाओ, फैल जमा आओ फैलाओ, शब्द है आवट थक और दिक शब्द है, इसी क्या बनेगा थक जमा आवट थकावट, दिख जमा आवट दिखावट। उसके बाद है आवा, छल और बुला, दो शब्द है ये, छल मतलब धोखा, छल जमा आवा छलावा, और बुला जमा आवा बुलावा। उसके बाद जो है हमारा आहट, आहट मतलब जैसे किसी की हमने आवाज सुनाई दे, आहट और शब्द है घबरा, ठीक है, इसका अलग मीनिंग हो गया, घबरा जमा आहट, क्या बनेगा घबराहट, इसका मेरे को तो घबराहट सी हो रही है ऐसे। और चिकना जमा आहट, चिकनाहट के किसी के अंदर चिकनाहट होना। ई, ई शब्द है बोल जमा ई बोली, हंस जमा ई, क्या बनेगा हंसी, ठीक है, हंसी मतलब लाफिंग। न, न जो हमारा प्रत्यय है चल जमा न चलन, ले या दे, न प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा इसका ले दे मतलब लेन देन। उसके बाद हमारा जो प्रत्यय है आक, आक तैर शब्द है, तैर के आगे अगर हम पीछे सॉरी तैर के पीछे अगर हम आक लगा दें तो क्या हो जाता है तैराक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए। उसके बाद हमारे कुछ जो शब्दांश है यानी कि प्रत्यय है ये, इनको और देख लेते हैं क्या है वो। सबसे पहला है तव्य, तव्य अगर हम क्री के आगे पीछे लगा दें तव्य, क्री जमा तव्य, क्या बन जाता है कर्तव्य। आड़ी, खेल जमा आड़ी, क्या बनेगा खिलाड़ी। अक्कड़, जैसे भूल जमा अक्कड़ भुलक्कड़, घूम जमा अक्कड़ घुमक्कड़। शब्द है हमारा आऊ, बिक आऊ बिकाऊ, टिक आऊ टिकाऊ। इया, घट जमा इया घटिया, कि जैसे वह घटिया किस्म का है। और बड़ जमा इया कि वह बढ़िया यानी कि बढ़िया किस्म का है। ऊ, खा ऊ खाऊ, डाक ऊ डाकू। वाला, लिख जमा वाला यानी के लिखने वाला, पढ़ जमा वाला पढ़ने वाला, ठीक है। उसके बाद हार, जैसे पालन जमा हार पालनहार। ओना, खेल जमा ओना
खिलौना। उसके बाद जो हमारा प्रत्यय है ओती, जैसे चुन जमा ओती, क्या बनेगा? चुनौती। उसके बाद है आ, घेर जमा आ, घेरा। और उसके बाद है आस, जैसे पी जमा आस, प्यास। ठीक है, उसके बाद है हमारा जैसे ओता, जैसे समझ जमा ओता, क्या बनेगा? समझौता। तो इस प्रकार हमारे जो कृत प्रत्यय है वह कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। आप एक बार इसको ध्यान से देख लें और इसको लिख लें। इसके बाद है हमारे तद्धित प्रत्यय, ठीक है, उनको देख लेते हैं हम। प्रत्यय मूल संग और शब्द रूप, क्या है इनका? सबसे पहला जैसे हम लेते हैं इक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। इक प्रत्यय लगाने से जैसे दिन जमा इक, क्या बन जाएगा? दैनिक। और मास जमा इक, मासिक। ठीक है, जैसे सप्ताह जमा इक, साप्ताहिक। तो आप इस प्रकार और शब्दों को भी बनाने की कोशिश कीजिए इनसे। उसके बाद है शब्द हमारा आई, आई जैसे भला जमा आई, भलाई, बुरा जमा आई, बुराई। उसके बाद है ई, गरम जमा ई, गर्मी। खेत जमा ई, खेती। उसके बाद है ता प्रत्यय, जैसे प्रभु ता, प्रभुता, गुरु ता, गुरुता। उसके बाद है शब्द आपा, जैसे बूढ़ा या मोटा, क्या बनेगा? बुढ़ापा, मोटापा। उसके बाद जो शब्द है आस, जैसे मीठा और खट्टा शब्द है, इनके पीछे आस लगाने से क्या बन जाता है? मिठास या खटास। पन, पन शब्द अगर बनाएंगे, जैसे बच्चा और अपना है, इसके पीछे पन अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाता है? अपनापन और बचपन। ठीक है, त्व, जैसे मनुष्य और पशु के अगर पीछे हम लगाएं प्रत्यय त्व, तो क्या बनता है? मनुष्यत्व या पशुत्व। उसके बाद नी अगर प्रत्यय लगाए, जैसे चांद के पीछे अगर नी प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है? चांदनी। और आर जो प्रत्यय अगर लोहा के पीछे हम लगाते हैं तो क्या बन जाता है? लोहार। और ऐसे ही इया शब्द, अगर इया शब्द दुख के पीछे हम लगाते हैं तो क्या बन जाता है? दुखिया। उसी प्रकार शब्द जो है हमारा आनी, आनी प्रत्यय अगर हम लगा दे देवर के पीछे तो देवरानी। ठीक है, जेठ के पीछे लगा देता हूँ जेठानी। ठीक है, इसी प्रकार जो आइन शब्द है, जैसे बाबू जमा आइन, क्या बनेगा? बबू आइन। ठीक है, उसके बाद है आऊ, जैसे उपज जमा आऊ, उपजाऊ। आलू झगड़ा जमा आलू, झगड़ालू। ईला चमक जमा ईला, चमकीला। पूर्वक ध्यान जमा पूर्वक, ध्यान पूर्वक। आग्रह जमा पूर्वक, आग्रह पूर्वक। तो आप इस प्रकार अन्य शब्द भी बनाने की कोशिश करें। उसके बाद है हमारा शब्द जनक, जैसे आशा जमा जनक, आशाजनक। उसके बाद है हमारा जैसे मति, श्री जमा मति, श्रीमती। भाग्य जमावती, इसके बाद है हमारा वती, भाग्य जमावती, भाग्यवती। ज्ञान जमावती, ज्ञानवती। वान, वान जो हमारा प्रत्यय, जैसे धन जमावान, धनवान। उसके बाद है मैं, जल जमा मैं, जलमय। तम, तम के बाद जैसे अधिक जमा तम, अधिकतम। इस प्रकार जो आप हैं इनसे अलग अलग शब्द भी बनाकर देखें तो हमारा तद्धित प्रत्यय भी यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है।